नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्टोपीडिया में। बिहार और बिहारी शब्द से कोई भी अपरिचित नहीं है पूरी दुनिया में। आज मैं उसी बिहार के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दूंगी जो कि शायद ही आप सभी को मालूम होगा। दोस्तों, बिहार का एक अपना अलग ही स्वरूप और इतिहास रहा है जो कि काफी आश्चर्य और चौंकाने वाला रहा है। बिहार के गौरव और प्रतिष्ठा को प्रकट करने वाली ऐसी रोचक जानकारियां हैं जो कि बिहार को औरों से अलग और रोचक बनाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है बिहार के ग्रेजुएट्स के बारे में। यदि हम आंध्र प्रदेश और केरल की तुलना करें तो आज बिहार में स्नातक प्रतिशत इन दोनों राज्यों से ज्यादा है। क्या आप जानते हैं बुद्ध की तोप भूमि कहाँ है? जी हाँ, ठीक समझे आप, हमारा बिहार ही बुद्ध की तोप भूमि है। यहीं से बुद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। मिथिला पेंटिंग के बारे में आपने सुना ही होगा जो कि सदियों पुराना है। मिथिला पेंटिंग, जिसका अस्तित्व आज से लगभग सैकड़ों साल पुरानी है, आज देश विदेश में अपने अनोखे चित्रकला से काफी लोकप्रिय है। क्या आपको मालूम है सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर हम इतिहास उठा के देखें तो बहुतों ने वो चंपारण का सत्याग्रह तो पढ़ा ही होगा, जब हमारे किसानों ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दुनिया में याद किया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिहार के चंपारण से ही आवाज उठी थी। दोस्तों, बिहार ही वो भूमि है जहाँ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म हुआ था, और हाँ, वही कवि कोकिल विद्यापति का भी जन्म हुआ था। और हाँ दोस्तों, बिहार में ही गुरु गोविंद सिंह की भी जन्मस्थली है। बिहार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है। सिखों का पवित्र स्थान हरमिंदर सिंह तख्त पटना में है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ये जानकर आपको काफी आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज बिहार में है, जो कि 20 किलोमीटर तक स्थापित किया गया है, और ये राजधानी पटना में। बिहार ही वो राज्य है जहाँ राम लक्ष्मण ने पढ़ाई की थी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे पुरातत्व विश्वविद्यालय बिहार में ही था, जहाँ विश्वामित्र का आश्रम था, और वहीं राम लक्ष्मण की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई थी। आपको पता है भारत के 4 महान राजा इसी बिहार से थे, जो कि समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य इसी धरती से थे। और अंत में हमारे बिहार के सुपर 30 कोचिंग सेंटर के बारे में बात करूंगी, जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरक है। अमेरिका के टाइम्स मैगजीन में सर्वश्रेष्ठ की सूची में शामिल किया गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस सुपर 30 पे हिंदी मूवीज भी बनी है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स हमारे बिहार के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप ऐसी और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।